संत आसाराम बापू से प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस समस्त विश्व में 14 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्री कृष्ण गौशाला भेवाड़ी के तत्वाधान में मातृ पितृ पूजन की श्रृंखला का आरंभ हुआ। इसी कड़ी में आज सामूहिक मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम का आयोजन ओमैक्स मटीला भिवाड़ी में किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता व अभिभावकों का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया, उनकी आरती उतारी और उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रसाद खिलाया तथा माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बालकों में मातृ पितृ गुरु भक्ति की शिक्षा लेकर माता पिता एवं गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उन्नति के रास्ते ले जाने की शिक्षा प्राप्त की। वक्ता दीनू भाई ने बताया कि आज असली प्रेम दिवस अर्थात मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जिसमे बच्चों ने अपने माता पिता का विधिवत रूप से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया तथा उनका स्नेह प्राप्त किया। समिति प्रवक्ता ने बच्चों को माता पिता की महिमा बता का संकल्प दिलाया कि भूलकर भी कभी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वे हमारे लिए आदरणीय हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। माता पिता ने हमारे लिए पालन पोषण में कितने कष्ट सहे हैं, कितनी रातें माँ ने हमारे लिए गीले में सोकर गुजारी हैं और भी जन्म से लेकर अब तक कितने कष्ट सहन किए हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कितने कष्ट सहकर हमें बड़ा किया है। संत आसाराम बापू ने विश्व के युवाओं को वैलेंटाइन जैसी पिशाचीनी से छुटकारा पाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की प्रेरणा दी, इसके लिए समाज उनका आभारी रहेगा। संत आसाराम बापू बताते हैं कि भारतीय संस्कृति का हर पहलू मानव मात्र का उत्साह आनंद और प्रेम अधिवक्त कहने का अवसर है। वक्ता दीनू भाई ने बताया कि संत आसाराम बापू द्वारा संस्कृति रक्षा शंखनाद किया गया, इसलिए संत आसाराम बापू की प्रेरणा से योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में हर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है।